नमस्कार। हिंदी कक्षा 8 पार्ट 6 सुजान भगत। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था कि सुजान भगत कैसे एक निर्धन से धनवान बने और धनवान बनने के बाद उनके परिवार में उनकी काली देव की तरह उनको पूजा जाता था, उनका अधिकार छीन लिया गया। उनकी पत्नी उनसे बहुत नाराज़ थी और उनको समझाने पर वो नहीं समझ पाए और अपनी पत्नी को ही भला बुरा कहने लगे। इस पर उसकी पत्नी फिर से वापस उनको समझाती है। इस पर सुजान भगत वापस अपना जवाब देते हैं और कहते हैं कि जो बेटे कमाते हैं उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। इस तरह बुला की सुजान भगत को कहती है, तुम क्यों नहीं अपने मन की करते हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पढ़े रहो, चलो खाना खा लो। इस पर बुला की सुजान भगत को समझाते हुए खाने पर बुलाती है। अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ, ये सुजान भगत बुलाकी को कहता है। बुलाकी इस पर तो भी कह देती है कि बात जो थी वह मैंने कह दी, अब आप अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे, बुलाकी हार कर चली जाती है। सुजान के सामने अब नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा समस्या था। परिस्थिति में कितना उलट फेर हो गया था इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते थे, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते, क्या इसे सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसमें स्वामित्व का प्रमाण नहीं था। क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता था? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए था। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता, मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी थी, सुजान ने उठकर अंडासे से बेलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था पर सुजान कर भी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। भोला भी काटता था, शंकर भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह उन लड़कों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कुट्टी का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीन और सुडोल थे, मानो सांचे में ढाले गए हो। अने इतना सारा चारा काटा कि उन दोनों लड़के मिलके भी इतना चारा नहीं काट सकते। इतना सुजान भगत ने एक रात में काट दिया था। मुंह अंधेरे बुला की उठी तो कुट्टी का ढेर देखकर दंग रह गई। बोला आज रात भर कुट्टी ही काटता रह गया। कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, मानता नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूँ तब काम ही करता रहता है, ऐसा कमाऊँ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था? अम्बा बुला की, वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने समझा तुमने काटी होगी। बोला मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे कितना काम कर लूँ रात को मुझसे नहीं उठा जाता है। बुला की तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? बोला हाँ, मालूम होता है रात भर सोए नहीं, मुझसे क्या बड़ी भूल हुई? वह तो हाल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुला की क्रोध तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। बोला शंकर को जगा दो, मैं जल्दी से मुँह हाथ धोकर हल ले जाऊँ। जब और किसानों के साथ बोला हल लेकर खेत में पहुँचा तो सुजान आधा खेत जोत चुका था। बोला ने चुपके से शुरू किया, सुजान से बोलने की हिम्मत ना पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए पर सुजान भगत अपने काम में मगन है। बोला चाहता है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं पाता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा दोपहर हो गई, हल खोल देना। सुजान हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो,
मैं डांग फेंक कर आता हूँ। बोला, मैं संजय को डांग फेंक दूंगा, सुजान तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं हो खेत कटोरी की तरह गहरा गया है, तभी तो बीच में जम जाता है। इस गोविंद के खेत में 20 मन बीज होता है, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया, बेल खोल दिए गए। बोला, बेलों को लेकर चल घर चला, पर सुजान डांग फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद फेंकने के घर आए, मगर थकान का नाम न था। खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बेलों को सहलाना शुरू कर दिया, उसके पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूछ सहलाए, बेलों की पीछे खड़ी सुजान गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त, उनकी आँखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार है। अन्य कृषकों की भांति बोला, अभी कमर सीधी कर ही रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जा रहे थे, मन उन्हें स्वयं खेत पहुंचने की जल्दी थी। बोला, नहीं मड़िया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देख पर उठ न सका, उसकी हिम्मत छूटी, उसने कभी इतना परिश्रम न किया। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई, यानी घर परिवार मिल गया, उसे जो तो चला रहा था। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा था, जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा। किसी के गांव से बारात आई, नाच गान हो रहा है, जवान आदमी क्यों कर आनंद से वंचित रह सकता है। वृद्ध जनों के लिए भलाई नहीं, उन्हें न नाच गाने से मतलब, खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, बोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। बोला, जाने दो अम्बा, मुझसे तो यह नहीं हो सकता है। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाए हुए निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ माया में फंसा हुआ है आदमी काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाने देखे जाते हैं, उनका आदर सम्मान होता है। अब कि उनकी खेती ने सोना उगल दिया है, बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चेत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय जब कृषक को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय छलकने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर देते थे और दोनों लड़के टोकरे घर में अनाज रखने जाते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी के घेरे हुए थे, उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से आठ महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा आज कहाँ का चक्कर लगा है? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। तो भगत जी ने कहा, अच्छा तुम्हारे सामने ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा कर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने लुब्ध नेत्र से ढेर को देखकर कहा कि जितना अपने हाथ से उठा कर दोगे उतना ही लूँगा। भगत जी, नहीं तुमसे जितना उठ सको उठा लो। तब भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसमें कोई 10 सेर अनाज उसने भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक बढ़ने का उसे साहस न हुआ। भगत जी उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा ले जाएगा। भिक्षुक ने बोला कि और तिरछी नज़रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना भी बहुत है। भगत जी, नहीं तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पंसेरी अनाज और भरा और फिर बोला कि और शंका की दृष्टि से देखने लगा। भगत जी, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसे अनाज भर लिया और बोला ने गठरी उठाकर न दी तो कितनी भद्द होगी, यानी उनकी इंसल्ट हो जाएगी। अन्य भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत न पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा, गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा इतना तो मुझसे उठा ना सकेगा। अरे इतना भी ना उठ सकेगा? भगत जी ने कहा।
बहुत होता तो मन भर भला जोर लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी यह मुझसे ना उठेगी। तब भगत जी ने कहा, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। तब भिक्षुक ने कहा, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत जी, अच्छा आगे आगे चलो मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जो लगाकर गठरी उठाई, फिर सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो गया। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित रह गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय किसका नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरत परिश्रम का आज उन्हें फल मिला। आज उन्हें फल था, आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, आज इस पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी तो हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं गोरा नहीं वह जवान भी नहीं तो मृतक है। सुजान भगत में थी, उसी में उन्हें अमानुषिक बल प्रदान कर दिया। चलते समय उन्होंने बोला कि वो सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षु खड़े हैं, कोई खाली हाथ लौटने नहीं पाए। बोला, सी झुकाए खड़ा रहा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ, वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया। इस तरह सुजान भगत ने अपने परिवार में फिर से वो अधिकार जमा दिया और अपनी जवान बच्चों को, जवान बेटों को फिर से परास्त कर दिया था। नमस्ते। और शब्दार्थ और टिप्पणी आपको कॉपी में करनी है, मुहावरे, फिर अभ्यास के प्रश्न, फिर स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3, 4, 5, ये अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।